नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश और ये वक्त है पीटीसी न्यूज़ हरियाणा का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात सबसे पहले आज धर्म परिवर्तन कानून की करेंगे, जिसे आखिरकार राज्यपाल ने हरियाणा में मंजूरी दे दी है और ऐसे में हरियाणा में अब धर्म परिवर्तन कानून लागू हो चुका है। इसी साल मार्च में विधानसभा सत्र के दौरान हरियाणा सरकार ने धर्म परिवर्तन कानून का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे विधानसभा से मंजूरी के बाद राज्यपाल के पास भेजा गया था। अब राज्यपाल ने भी इसे मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब हरियाणा में जबरन धर्म परिवर्तन पूरी तरह से गैरकानूनी हो गया है और अपराध की श्रेणी में आ गया है। इसे लेकर अब आरोप तय होने पर 3 से 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। हरियाणा में पिछले 4 सालों में जबरन धर्मांतरण के 127 मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया था। धर्म परिवर्तन किए जाने के मामले में अब पीड़ित कोर्ट की शरण ले सकते हैं, जिसके बाद कोर्ट पीड़ित और आरोपी की आय को ध्यान में रखते हुए भरण पोषण का खर्च देने के आदेश देगा। शादी के बाद बच्चा होने के बाद भी अगर कोई महिला या पुरुष धर्मांतरण का शिकार होता है तो कोर्ट बच्चे और उसकी माता या पिता को देखकर फैसला करेगी। इस एक्ट में धारा 6 के मुताबिक अब विवाह को अमान्य घोषित करने का भी प्रावधान रखा गया है। तो राज्यपाल ने आज इस कानून को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद हरियाणा में ये कानून लागू हो गया है और जबरन धर्म परिवर्तन अब हरियाणा में गैर कानूनी बन गया है। वैशाली चौधरी हमारी संवाददाता सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रही हैं तमाम जानकारी के साथ। वैशाली, आखिरकार राज्यपाल की मोहर के बाद अब कानून लागू हो गया है, क्या कुछ असर पड़ पाएगा इसकी वजह से अब धर्म परिवर्तन के मामले में? बिल्कुल, जैसे धर्म ये बड़ी कह सकते हैं कि शायद बहुत दिनों की ये जरूरत थी। हालांकि अब सरकार की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी हो गई है। जैसे कि आपने बताया कि अगर अब कोई इस कानून की अवहेलना करता है तो 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण कानून के तहत उसमें आरोपी को पीड़ित को गुजारा भत्ता भी अब देना होगा। साथ ही मृत्युदम तक विवाह से जन्मे बच्चों को भरण पोषण की राशि भी देनी होगी। और इसके बारे में प्रदेश में अब नोटिफिकेशन जारी जो है वो हो चुका है। यानी आपको एक साथ ये चीज और भी बता दें कि ये डिमांड आई उसके बाद मार्च 2022 में बजट सत्र के दौरान हरियाणा सरकार ये विधेयक लेकर आई थी। तो हम कह सकते हैं कि समय की जरूरत के मुताबिक और प्रदेश की जनता की जरूरतों या उनकी मांगों को देखते हुए ये बहुत दिनों से कम एक कह सकते हैं कि एक वर्ग के द्वारा ये लगातार ये डिमांड की जा रही थी कि धर्म परिवर्तन कानून को लेकर कुछ सख्ती से निपटा जाए। और उसको लेके अब ये जो कह सकते हैं कि अधिसूचना जारी होगी, इसके बाद हो सकता है कि इसका असर भी देखने को मिले और ये जो जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं अब लोगों में थोड़ा डर जरूर बनेगा। बिल्कुल, डर जरूर बनेगा क्योंकि राज्यपाल की अधिसूचना के साथ ही, राज्यपाल की मोहर के साथ ही इसमें अब मोहर लग गई है, इसमें अब ये कानून लागू हो गया है, जिसकी वजह से अब हरियाणा में धर्म परिवर्तन, जो जबरन धर्म परिवर्तन होता है शादी के मामलों में अक्सर जो देखने में आता है, उस पर लगाम लगाने की कोशिश सरकार की तरफ से रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली आपका इस तमाम जानकारी के लिए।